हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार तरह के शेक, जो कि गर्मियों के सीजन में आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो शेक। उसके लिए मैंने ये मैंगो कट कर लिए हैं। तो देखिए, मैं इसमें अपने मैंगो के क्यूब्स डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें अपनी मैंगो की क्यूब्स डाल ली हैं और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से आपका शेक काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, ये 2 से 3 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। यह काफ़ी मुलायम और काफ़ी अच्छा शेक बनकर तैयार होता है। अगर आपके घर में मिल्क पाउडर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिएगा। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर। और फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। आप अगर ग्लास से नापना चाहो तो ग्लास से भी डाल सकते हो। ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है और अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। अगर आपको यह ठंडा चाहिए तो आप इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले से ही मेरा दूध और आम ठंडा था इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब नहीं डाल रही हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कितना ठंडा पीना पसंद। तो अब हम मिक्सी में इसे ग्राइंड कर देते हैं। तो देखिए, हमारा ये मैंगो शेक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक ग्लास में सर्व करेंगे। ये मैंने ग्लास ले लिया है, इसी में हम डालेंगे 6 मैंगो क्यूब्स, जिससे कि गार्निश के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा ये। और अब इसमें डालेंगे हम अपना मैंगो शेक। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मैंगो शेक। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, अब हम इसे अपने एक ग्लास में सर्व करेंगे। देखिए, ये कितना क्रीमी और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। उसका रीज़न इसमें जो मिल्क पाउडर डाला है वो भी है। मिल्क पाउडर डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए, ये मैंने इसमें मैंगो की थोड़ी सी क्यूब्स डाल दी हैं। अब इसकी गार्निश के लिए हम इसके अंदर ऊपर डालेंगे थोड़ा पिस्ता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप इसमें गार्निश के लिए ले सकते हो। अगर आपके पास चेरी हो तो आप चेरी भी ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो देखिए, ये मैंने गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसमें 2 से 3 चेरी भी डाल रही हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी तरह का शेक बनाकर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे चीकू शेक। यह मुझे बहुत पसंद है और चीकू शेक गर्मियों के सीज़न में काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। आप इसे किसी भी सीज़न में बना सकते हो। फ्रेंड्स, यह काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। तो देखिए, मैंने 2 से 3 चीकू डाल लिए हैं। ये मैंने छोटे छोटे बारीक काट रखे थे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। और फ्रेंड्स, अब इसमें जाएगा दूध। तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीकू शेक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक ग्लास में सर्व करेंगे। यह कितना लाजवाब और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और अब इसकी गार्निश के लिए हम इसके ऊपर जो बचे हुए चीकू हैं वो डाल देंगे। और अब इसकी गार्निश के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा चीकू शेक बनकर तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे चोको बिस्किट शेक। यह चॉकलेट वाले बिस्किटों का शेक बच्चों को काफ़ी पसंद रहता है और इन्हें बच्चे काफ़ी। तो अब हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बिस्किट का शेक। यह काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर आप चाहो तो इसे इन बिस्किटों को तोड़ के भी डाल सकते हो। और अब इसमें डालेंगे हम दूध और 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर पहले से ही काफ़ी मीठा होता है क्योंकि इसमें चीनी अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली है। और अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी देर के लिए अपने बिस्कुट भिगो लिए थे और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना चॉकलेट से इस तरह का ग्लास डेकोरेट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपना चॉकलेट वाला शेक, चॉकलेट के बिस्किट वाला शेक, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद रहता है और बच्चे इसे काफ़ी खुश होकर पीते हैं। अब इसके ऊपर भी हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये शेक बनकर तैयार। और फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बनाना शेक, जो कि काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा होता है। इसे गर्मियों में आप जो भी शेक पियेंगे वो हेल्दी ही होता है। आप कोई भी शेक इनमें से बनाकर पी सकते हैं और ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आप जब चाहो जब इसे बनाकर ले सकते हो। इसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपकी भूख भी मिट जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हम एक ग्लास में सर्व कर देते हैं और इसमें भी हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये है तो बनाना शेक भी बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए हमने चार तरह के शेक बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ के हेल्दी और टेस्टी शेक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगले एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।